जय हिंद दोस्तों। एक रिटायर फौजी सूबेदार मेजर को पुलिस वालों ने ऐसी की पिटाई कि पूरा मोहल्ला सन रह गया। मोहल्ले वाले उन्हें वीडियो बनाया है, उसके बारे में आपको दिखाएंगे। और लेटर भी जो लिखा है पूर्व सैनिक ने जिसकी पिटाई हुई है, क्यों 5,000 रुपए देकर झूठी खबर किसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई और सैनिक सूबेदार मेजर की पिटाई की गई। पुलिस वालों का अत्याचार लगातार आपने देखा होगा, कई वीडियो सोशल मीडिया में यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे। एक और बड़ी घटना हुई है, सैनिकों के लिए भी एक ऐसा कानून बनना चाहिए SC ST एक्ट की तरह जो पुलिस वालों के ऊपर लागू होना चाहिए। आपको मैं पहले पूरी खबर दिखाऊं कि जो पूर्व सैनिक हैं सूबेदार मेजर के साथ पुलिस वाले ने कैसे अत्याचार किया है, कैसे पिटाई की है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, वीडियो भी आपको मैं आगे दिखाऊंगा। सबसे पहले तो उनका जो सूबेदार मेजर है उन्होंने लेटर लिखा है, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल दे देता हूं कि क्या क्या उनके साथ हुआ है, उनके परिवार और मोहल्ले वालों के सामने क्या क्या हुआ है। ये सूबेदार मेजर परमानंद हैं जो कि रिटायर हैं, और ये रिटायर हैं। अचानक इनके घर में जो प्लॉट नंबर था, ये गार्डन गली नंबर 15 में, को अचानक मेरे घर पर पुलिस का आ जाती है और आने के बाद मुझे और मेरे बेटे को थाने ले जाने की बात करती है। मेरे द्वारा पूछे जाने की क्यों मुझे थाने ले जाया जा रहा है, मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी जाती है। मौके पर मेरे साथ मेरी बेटी बेटियां भी मौजूद थीं। इस पूरे घटना वीडियो पड़ोसियों ने बना रखा है, जिसके बाद मेरी बेटी के साथ भी SI लालचंद मीना नशे की हालत में था और कांस्टेबल अनिल कादियान मारपीट करने लगा और गाली गलौज कर देते हुए मुझे और मेरे पूरे परिवार को खींचकर जबरदस्ती बाहर लेकर जाते हैं। सबूत मेरे पास मौजूद हैं। नीचे आने के बाद करीब 11 बजे SI लालचंद मीना और कांस्टेबल अनि जो कांस्टेबल थे कादयान और एक महिला कांस्टेबल बिना वर्दी में मेरे बेटे और मेरे बेटे जो बेटी हैं उसे गाली गलौज करने लगते हैं और मारपीट करने लगते हैं। साथ ही SI लालचंद ने अपने हेलमेट से मेरे सर पर मारा, जिससे कारण उनके खून बहने लगा। आपने देखा होगा, सर फोड़ दिया उन्होंने, खून बहने लगा और मेरी मेरा पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। इसके बाद उन्होंने मेरे बेटे को घसीटकर थाने ले गए और वहां रात में मेरे साथ SI लालचंद मीना और अनिल हेड कांस्टेबल जो कादियान है, उन्होंने दो तीन और पुलिस वाले ने मिलकर मार पिटाई की, चेयर से पिटाई की, लात लात घूंसे चलाए और पैर बांधकर मुझे मारते रहे और इसके बाद बुरा भला कहकर हंसते रहे, गाली गलौज करते रहे। ये सारा मामला रात भर होता रहा और पिटाई करते रहे। नशे के हालत में ये पुलिस वाले थे। जब बता दें कि SHO जब थाने में आए तो उन्होंने गोली मारने का भी उन्होंने धमकी दी, पेंशन रुकवाने की भी धमकी दी, मुझ पर मुकदमा लादने की भी धमकी दी कि मुकदमा कर देंगे और मेरे बेटे का कैरियर खत्म करने की भी धमकी दी। 7 साल की सजा की धमकी दे रहा था SHO। तो आप समझ सकते हैं कैसे एक पूर्व सैनिक के साथ ऐसे किया गया, बिना कोई वारंट के उनको घसीट कर ले गए। हमें बोला गया कि हम तुम्हारा मोहल्ले में रहना दूभर कर देंगे। मेरा फोन फेंक दिया और जो फोन था वो दूसरा फोन लेकर चले गए, वापस नहीं दिया है अभी तक। अगले दिन मेरे बेटे का पेपर था और हमने उनसे विनती की कि पेपर में हमें जाने दे, हमारे बेटे का पेपर छूट रहा है। उन्होंने जाने नहीं दिया, उन्होंने छोड़ा नहीं। जो वारदात सैनिक परिवार के साथ किया गया की गई है, यह अति निंदनीय है। और साथ में मैं आशा करता हूं कि ऐसी जो घटना हुई है, जघन्य घटना, इसमें सैनिक परिवार के साथ नहीं होना चाहिए। इतना दुर्व्यवहार किसी परिवार के साथ नहीं होना चाहिए। इस घटना द्वारा बजे हमारे परिवार व जो पास पड़ोस के लोगों का हृदय भी टूट गया है। यानी कि पास पड़ोस वाले भी हैरान थे कि इतना सैनिक की पिटाई कोई कैसे पुलिस वाला कर सकता है। अगर कोई केस कुछ बनता है तो पिटाई तो नहीं करेगा। पिटाई करने का तभी आश्रय बनता है जब कोई किसी ने कंप्लेन की है और उस कंप्लेन में पुलिस वालों को पैसा इसी बात का दिया गया है कि आप इनकी पिटाई करेंगे, तभी वो पैसा लेकर इतनी पिटाई कर सकता है, खून खच्चर कर सकता है, खून बह सकता है। इसका मतलब है कि सैनिक की पिटाई
कर सकता है, वो तभी कर सकता है जब उसको पैसे दिए गए हों। ऐसी अप्रिय घटना भूतपूर्व सैनिक और उसके परिवार के साथ ना हो, एक झूठी कंप्लेन पर किसी का भी भूतपूर्व सैनिक व असहनी पीड़ा देने वाले पुलिस द्वारा ऐसा ना किया जाए, उसके लिए उन्होंने कहा है कि मेरी भारत सरकार से विनती है कि भारत सरकार द्वारा ठोस कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी परिवार मेरी तरह पुलिस द्वारा प्रताड़ित ना किया जाए, बिना वजह ऐसा ना किया जाए, और प्रताड़ित तो बिल्कुल भी ना किया जाए, क्योंकि सैनिक के गौरव का सवाल होता है। मैं और मेरे परिवार द्वारा घटना से पूरी तरह डरे हुए सदमे में हैं। पूरा प्रशासन से यही प्रार्थना करता हूं कि जो हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करता हूं कि न्याय मिले, मेरा सम्मान जैसे खोया है उसे वापस दिलाया जाए। यानी कि जो उसकी मोहल्ले के सामने पिटाई हुई है, क्या वो सम्मान वापस हो सकता है? सम्मान तो वापस नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसे पुलिस वालों के साथ सेम इसी तरह का व्यवहार किया जा सकता है और हो सकता है। अगर पुलिस वालों के साथ ऐसा हो जाए तो क्या सही है? बिल्कुल गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए, ना तो सैनिक के साथ ना पुलिस वालों के साथ, क्योंकि वर्दी की भी एक मर्यादा होती है। ऐसे शीघ्र कदम उठाना चाहिए और एक कठोर कानून बनना चाहिए, जिससे पुलिस वालों की जो बढ़ती है सैनिकों के साथ अभद्रता है, इसको दूर किया जा सके। एक कठिन और सख्त कानून बनाने की जरूरत है, जो कि जैसा SC ST एक्ट में होता है, ऐसे पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने ये लेटर लिखा है, निवेदन किया है, विनती की है। अब मैं बता दूं कि कर्नल अमित कुमार साहब जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने भी कहा है कि अंधा कानून इस तरह के व्यवहार और जंगल राज के लिए कौन जिम्मेदार है? पिछली बार जब मैंने 112 पर कॉल किया था, तो मेरी पत्नी की सुरक्षा के लिए पुलिस ने मुझे ही जेल में डाल दिया था। कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमारे देश में पुलिस व्यवस्था विफल है, गुंडा राज है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? यानी कि पुलिस अगर ऐसा कर रही है, इसका मतलब है कि पुलिस में सिर्फ गुंडा राज चल रहा है, पुलिस सरकारी गुंडों के तौर पर काम कर रही है। ये मामला तो बिल्कुल ऐसा ही बनता है। अगर फौजी ने कोई गलती की है, तो उसको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए, ना कि उसको मार पीट कर उसके खून बहा दो। तो ये गलत है, इस पर सख्त कानून बनना चाहिए और इन पुलिस वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि कोई दूसरा ऐसा करने की हिम्मत भी ना करे। आप भी कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इन पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई कर सके, सरकार पर इतनी हिम्मत बन सके। थैंक यू। जय हिंद।